नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका और एक नए प्लान के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर ये प्लान देख रहे हैं, ये जो प्लान है इसका टोटल साइज है 25 फीट बाई 50 फीट। ये है 25 फीट, सॉरी, ये है 25 फीट बाई 50 फीट। यहाँ से यहाँ तक 50 फीट, ये आउटर टू आउटर हुआ। ये आउटर टू आउटर है 50 फीट, और ये भी आउटर वॉल टू आउटर वॉल है 25 फीट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आउटर वॉल है, मैं मार्किंग करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो आउटर वॉल है, सॉरी इससे करता हूँ, ये जो आउटर वॉल है, यहाँ से ये पूरा आउटर वॉल है 5 इंच का। मैं 5 इंच अगर मैं एमएम में बोलूँ, क्योंकि जो भी ड्राइंग शीट में ड्राइंग होता है सब कुछ एमएम में ही होता है, और इंच में या फिर फुट में नहीं होता है, क्योंकि ये हम इंजीनियरिंग जो भी ड्राइंग होता है वो एमएम में ही होता है। ऑल डायमेंशंस डायमेंशंस आर इन एमएम में ही होता है। इसलिए अगर एमएम में अगर बताना चाहते हैं तो ये आता है 125 mm में। मतलब अगर 5 इंच को मैं अगर एमएम में करूँ तो 125 mm आता है, और अगर सेंटीमीटर में करूँ तो 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हो गया हमारा आउटर वॉल। और इनर वॉल कहूँ तो ये है इनर वॉल, इनर वॉल भी 5 इंच का है। ये जो 5 इंच का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जितना भी मैं इस ब्राउन से कलर कर रहा हूँ, ये सारा है 5 इंच का, ये सारा है 5 इंच का। ठीक है, सॉरी, हाँ ये भी है 5 इंच का। यहाँ से ये है 5 इंच का, ये हो गया, और ये हो गया, और यहाँ से ये भी हो गया 5 इंच का। ये पूरा हो गया 5 इंच का वॉल हो गया। अब आते हैं पार्टीशन वॉल के, जो जो पार्टीशन वॉल है और भी, मतलब ये भी पार्टीशन वॉल ही है, सिर्फ ये 5 इंच का है। और ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, सॉरी, ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ अभी ग्रीन कलर से, ये है 3 इंच का। ये भी पार्टीशन वॉल है। अगर कोई बोले तो 3 इंच पार्टीशन वॉल है, वो क्या पार्टीशन नहीं है। हाँ, सब कुछ ही पार्टीशन ही है, पार्टीशन वॉल ही है, सिर्फ इसका वेट ज़्यादा है। मतलब 5 इंच का वेट ज़्यादा है 3 इंच से, इतना ही है। ये हो गया 3 इंच का। उसके बाद हम लोग अगर प्लान में देखें तो यहाँ पर हम लोग को एक ओपन स्पेस मिल जाता है, एक पार्किंग स्पेस मिल जाता है। मैं अगर बोलूँ तो ये एक पार्किंग स्पेस है, मैं लिख कर दे देता हूँ, एक पार्किंग स्पेस है, पार्किंग स्पेस जिसका टोटल साइज है 12 फीट बाई 17 फीट 6 इंच। ये है टोटल पार्किंग स्पेस जो यहाँ से है। अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये है 12 फीट यहाँ से यहाँ तक, मतलब इनर टू इनर, और 17 फीट 6 इंच भी यहाँ से यहाँ तक, मतलब इनर टू इनर तक, इतना। ठीक है, ये है पार्किंग स्पेस का टोटल साइज। उसके साथ ही हम लोग को मिल जाता है, यहाँ पर प्लान में मिल जाता है गार्डन। ये छोटा सा है गार्डनिंग के लिए, ये एक गार्डन मिल जाता है जिसका साइज है 12 फीट 6 इंच बाई 6 फीट 3 इंच। ये है गार्डन। उसके सामने पार्किंग स्पेस के साथ ही गार्डन मिल जाता है। अब पार्किंग स्पेस में, स्पेस के सामने जब ये मेन डोर है, ये है पार्किंग स्पेस, और ये पूरा ओपन है, यहाँ पर कोई कुछ नहीं है। यहाँ पर है मेन डोर, इस बिल्डिंग में जाने के लिए, इस रूम में जाने के लिए मेन डोर है। मेन डोर से एंट्री करते ही हम लोग को मिल जाता है यहाँ पर एक ड्राइंग रूम, जिसको हम लोग लिविंग रूम भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ड्राइंग रूम मिल जाता है हम लोग को, जिसका टोटल साइज है 16 फिट बाई 11 फिट 9 इंच। ये है ड्राइंग रूम का साइज। और ड्राइंग रूम के ठीक सामने ही हम लोग को मिल जाता है किचन। ये है किचन,
ये किचन मिल जाता है, जिसका टोटल साइज है 8 फीट बाई 8 फीट 6 इंच, सॉरी 6 इंच, ठीक है। ये हम लोग को एक ड्राइंग किचन मिल जाता है। इस किचन के साथ ही हम लोग को एक छोटा सा पूजा रूम मिल जाता है, पूजा रूम मिल जाता है, जिसका टोटल साइज मैं इसके बाजू में लिख देता हूँ 5 फीट बाई 3 फीट। यहाँ पर जो भी आप लोग डायमेंशन देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी आप लोग डायमेंशन देख रहे हैं, उसका जो साइज़ है, मतलब मैं यहाँ पर छोटा सा लिख कर देता हूँ, अगर मैं कहूँ तो ये ड्राइंग रूम का साइज ही मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं 16 फीट बाई 11 फीट 9 इंच लिखा हुआ है। इसका मतलब है एच मतलब हॉरिजॉन्टल बाई वर्टिकल, ये जो है ये 16 फीट है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब ये है, और 11 फीट 8 इंच ये वर्टिकल है, ये है वर्टिकल, ठीक है, ये वर्टिकल आता है। आपको समझ में आ गया होगा, ये जितना भी डायमेंशन आपको समझ में आ गया होगा, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, मतलब यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल और यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल, ऐसा आता है। अब पूजा रूम के साथ ही हम लोगों को दो बेडरूम मिल जाते हैं, यहाँ पर एक बेडरूम, ये एक बेडरूम मिल जाता है, बेडरूम मिल जाता है, जिसका टोटल साइज है 12 फिट बाई 14 फिट, और यहाँ पर भी एक हम लोग को बेडरूम मिल जाता है, बेडरूम मिल जाता है, उसका भी सेम साइज है 12 फीट बाई 14 फीट, और उसका भी सेम ये जो दिख रहा है 12 फीट, मतलब यहाँ से यहाँ तक 12 फीट और 14 फीट यहाँ से यहाँ तक 12 14 फीट यहाँ से यहाँ तक, मैं सॉरी यहाँ से आपको ऐसे समझाता हूँ, से यहाँ तक ये इनर ट्विनर, यहाँ से ये इनर ट्विनर से ये इनर ट्विनर होगा, यहाँ तक नहीं, क्योंकि जो जो बेडरूम है वो यहाँ पर भी काउंट होगा, ये पूरा को लेकर काउंट होगा, ठीक है, इसलिए हम लोग ने यहाँ से यहाँ तक काउंट किया है, और इसका भी सेम है, यहाँ से यहाँ तक 12 फिट और यहाँ से यहाँ तक 14 फिट इनर ट्विनर। अब दोनों बेडरूम के साथ हम लोग को यहाँ पर अटैच टॉयलेट मिल जाता है, ये है अटैच टॉयलेट मिल जाता है, टॉयलेट मिल जाता है, जिसका साइज है 6 फिट बाई 5 फिट, सेम टू सेम यहाँ पर भी एक टॉयलेट मिल जाता है, टॉयलेट 6 फिट बाई 5 फिट। और इस बेडरूम के साथ हम लोगों ये इसके सामने ही एक ओपन स्पेस मिल जाता है, ये ओपन स्पेस ही कहेंगे, क्योंकि अगर ये ऊपर मतलब फर्स्ट फ्लोर में चला जाए, मतलब ये प्लान अगर फर्स्ट फ्लोर में जब चला जाएगा तब यहाँ पर एक बैल्कोनी हो जाएगा, और इस बैल्कोनी को हम तो यहाँ पर बैल्कोनी नहीं कह सकते, इसलिए हम लोग एक छोटा सा बारांदा टाइप कह सकते हैं, या फिर ओपन स्पेस भी कह सकते हैं, ओपन स्पेस कह सकते हैं, जिसका टोटल साइज है 11 फीट 6 इंच बाई 5 फीट, ये है इस ओपन स्पेस का टोटल साइज, इस ओपन स्पेस का टोटल साइज है, ठीक है। अब आते हैं स्टेयर केस के बारे में, ये जो स्टेयर केस आप लोग देख रहे हैं ये है ओपन वेल स्टेयर केस, ओपन वेल स्टेयर केस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका इसका जो अप है, आप यहाँ पर एरो डायरेक्शन देख रहे हैं, ये जो एरो डायरेक्शन आप लोग देख रहे हैं इसका अप है, यहाँ से ये जाएगा फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, सॉरी इस कलर से नहीं करते हैं, दूसरे कलर से करते हैं, आपको समझने में आसानी होगी, यहाँ से ये ऊपर जाएगा फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये, ठीक है, ये आ गया, ये हो गया एक ओपन स्पेस, ओपन स्टेयर केस का डिजाइन जितना जैसा होता है, ये ऐसे घूम के जाता है, और यहाँ पर जो पोर्शन देख रहे हैं, ये जो पोर्शन देख रहे हैं, जैसे कि ये पोर्शन जो देख रहे हैं ये पूरा खाली होता है, सॉरी बैकग्राउंड साउंड के लिए माफी चाहता हूँ, यहाँ पर थोड़ा खाली होता है, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा पोर्शन खाली होता है, ये हो गया पूरे प्लान के बारे में। अब आते हैं दरवाजे डोर के बारे में, ये जो डोर आप लोग देख रहे हैं, ये जो डोर आप लोग देख रहे हैं, हाँ ये जो डोर देख रहे हैं, ये है मेन डोर, जिसका टोटल साइज है 4 फिट, और यहाँ पर एक डोर है 4 फिट, सॉरी ये 4 फिट नहीं, ये 3 फिट का है, यहाँ पर भी एक 3 फिट
फिट। और इस किचन के लिए कोई भी डोर नहीं है। सॉरी, मैंने यहाँ पर भी गलती से डोर दे दिया है, माफी चाहता हूँ, पर मैं लॉक कर देता हूँ। यहाँ पर कोई, सॉरी, यहाँ पर कोई वॉल नहीं होगा, यहाँ पर एक डोर होगा। ये जो डोर होता है ये जरूर होगा, ये भी 3 फीट का ही होगा ये। और यहाँ पर पूजा रूम के लिए कोई भी डोर नहीं, ये एक ओपन रहेगा, यहाँ पर ओपन खुला हुआ रहेगा, ठीक है। अब जो ये डोर है, यहाँ पर भी 3 फीट का डोर है, और ये जो है ये 2 फीट 6 इंच का है, और यहाँ पर भी 2 फीट 6 इंच का है, ठीक है। अब आते हैं विंडो के बारे में। आपको बता दूं कि ये जितना भी विंडो आप लोग देख रहे हैं, मैं मार्किंग कर देता हूँ, किससे करूँ, हाँ इससे कर देता हूँ मार्किंग। ये जो सॉरी, यहाँ पर नहीं, ये जो विंडो आप लोग देख रहे हैं, ये जितना भी विंडो अभी मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ये सारा विंडो 3 फीट का है, ये सारा विंडो 3 फीट का है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 3 फीट विंडो, ठीक है, यहाँ पर 3 फीट का विंडो है। ये विंडो 3 फीट का है। सेम टू सेम इधर भी ये जो ये है, ये और ये, ठीक है, ये भी है 3 फीट का, 3 फीट विंडो है, ठीक है, 3 फीट विंडो है, यहाँ पर भी 3 फीट विंडो है। अब आते हैं यहाँ पर जो पार्किंग स्पेस है, यहाँ पर आप तो देखते हैं, यहाँ पर कोई भी मतलब यहाँ पर कोई भी डोर वगैरह कुछ नहीं होगा, ये एक ओपन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई कोलैप्सिबल गेट हाँ यूज़ कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो कोई स्टेयर केस नहीं होगा, यहाँ पर होगा रैंप। रैंप अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ऐसे समझा सकता हूँ, समझ लीजिए, ये एक ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल का ये हाइट है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल का हाइट है। अब यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड लेवल से इस प्लिंथ लेवल से इस ग्राउंड लेवल तक आना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, ऐसे होता है, यहाँ से ऐसे ऐसे होता है। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इसको हम लोग कहते हैं प्लिंथ, रैम्प कहते हैं, रैम्प, ठीक है, इसको कहते हैं रैम्प। जो ग्राउंड फ्लोर से प्लिंथ फ्लोर तक, मतलब ग्राउंड ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक जो जाता है विदाउट एनी स्टेयर, जो समान होता है, मतलब एकदम रोलिंग टाइप, मतलब अगर व्हीकल जाने के लिए, ठीक है, उसको हम लोग रैंप कहते हैं। और यहाँ और एक है, यहाँ पर जो टॉयलेट है इसका वेंटिलेटर दिया गया है, ये जो है ये है वेंटिलेशन, ये जो वेंटिलेटर है वो है 2 फीट 6 इंच का विड्थ है, मैं लिख देता हूँ V है 2 फीट 6 इंच, ठीक है। तो इस प्लान के बारे में इतना ही जानकारी है जो है, और हाँ इतना ही है। और अगर आपको कुछ भी डाउट है इस प्लान के बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और आपको कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिए। और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए। तो आज के लिए थैंक यू।